हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आई होप यू ऑल आर गुड। और गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 5.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी तक हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। हमने पांच तरह के फंक्शन यहाँ पे पढ़ लिए, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ क्योंकि मैंने कहा था यही पांच तरह के फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करने वाले, क्या स्पेशल करने वाले हैं, तो इस वीडियो में या इस एक्सरसाइज के अंदर, 5.5 एक्सरसाइज के अंदर हम स्पेशल टाइप के फंक्शन आपको दिए होंगे जिनको कि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब स्पेशल टाइप के फंक्शन यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ इस एक्सरसाइज के लिए टॉपिक का नेम है हमारा लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन में आपको यहाँ पे क्या दिया होगा कि हमें यहाँ पे क्या दिया होगा, एक फंक्शन लेट के दिया हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन की पावर में आपको एक फंक्शन और दिया होगा। तो अगर आपको एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दिया हुआ है तो जो मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे, लॉग वाला मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस को लॉग वाले मेथड से सॉल्व करेंगे कि फंक्शन की पावर में फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे एक्स की पावर यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, ये हो गया। तो फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी फॉर्मूला देखा था यहाँ पे कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन यहाँ पे कोई ना कोई नंबर है, तो हमें पता है एन को आगे ले लो और इसमें से एक पावर कम कर दो। कि यहां पर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ अगर एक्स की पावर साइन एक्स है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पावर को आगे ले लो और एक पावर को यहाँ पे क्या कर दो, कम कर दो। ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि n यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, ये एक नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है जिसका फॉर्मूला हमें आता है d by dx of x क्या होता है, 1 होता है। और ये भी एक फंक्शन है कि d by dx of sin x क्या होता है, cos x होता है। तो इस तरह के फंक्शन आपके सामने जब भी आ जाते हैं कि किसी एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन हो, जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, ये रहा log x की पावर cos x, तो कैसे सॉल्व करोगे, कर सकते हो इसको सॉल्व। हमें d बाय dx ऑफ log x पता है 1 बाय x होता है, क्या log x की पावर को हम इस तरह से आगे ला करके इस तरह सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो अपने दिमाग में बस एक चीज रखना है कि फंक्शन की पावर फंक्शन आती है, तो अभी जो हम प्रोसीजर करेंगे वो करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा ये वाला मैथड अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लिया, और ये वाला मेथड आपको कहाँ कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो डिफरेंशिएट एक्स पावर साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे किसी की हेल्प लेंगे, तो हम अपने लॉग भाई को बुलाएंगे, लॉग भाई आओ और हमारी हेल्प करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों साइड में हमें इस पावर को यहां से हटाना है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमें पावर को यहां से हटाना है, तो हम लॉग की हेल्प लेंगे। लॉग की हेल्प क्यों लेंगे, क्योंकि लॉग में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि लॉग ऑफ m पावर n क्या होता है, तो लॉग ऑफ m पावर n होता है n log m हो जाता है। ये हमने पढ़ा है अभी, प्रॉपर्टीज पढ़ी 5.4 के अंदर कि लॉग m पावर n क्या होता है, कि पावर आप आगे ले लेते हो और ये लॉग इसके साथ लग जाता है ना, और बेस हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, e ही रहेगा। तो जब हमें इस पावर को हटाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब बोथ साइड में आप लॉग लगा दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर तो सिंपली log y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x की पावर sin x हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है log m पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो ये हो गया log y इक्वल टू n log m। तो n कौन है यहाँ पे, sin x है, पावर में जो है वो आगे आ जाएगा और ये आपका एज इट इज रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये u इंटू वी फॉर्म बन गया, ये एक अलग फंक्शन बन गया, ये एक अलग फंक्शन बन गया, तो ये इसको u ले लो, ये v ले लो। तो अब आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का आपको डिफरेंशिएशन आता है, पहले u का करो, v को रहने दो, फिर v का कर लो, फिर u का कर लो, बीच में प्लस का साइन है, जिसकी मर्जी उसका पहले कर लो, है ना। तो ये मेथड हमें पता है, तो हमने अब इसको इजी फॉर्म में कर दिया। नाउ लिखेंगे, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं, करो डिफरेंशिएट। तो log y का क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, d बाय डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, हमारे पास सारे फॉर्मूले x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में ही फॉर्मूले 1 अपॉन x हो जाता है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ x है तो आगे नहीं होगा, अगर x की जगह पे कुछ भी है तो आगे वापस d बाय डी एक्स होगा। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ y है, तो एक बार देखो d बाय डी एक्स ऑफ log y क्या होगा, तो 1 अपॉन y हो जाएगा।
बट यहाँ तो x नहीं है, x नहीं है तो हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसका, y का, डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। फिर u इंटू वी करो, तो सबसे पहले u डैश, तो लॉग x का हमारा एज इट इज रह जाएगा, लॉग x यही रखा, डी बाई डी एक्स हमने किसका किया, साइन x का किया, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। फिर साइन x को आप एज इट इज रखोगे और डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, तो लॉग x का करोगे। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स ही हमें चाहिए ना, तो हमने y को उधर भेज दिया, तो y इधर डिवाइड में, तो यहाँ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो गया log x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है आपका cos x होता है। फिर ये आपका साइन x एज इट इज हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, तो 1 अपॉन x होता है। तो ये x इसके मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए हम इसको आगे कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ y नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ क्वेश्चन में से y की क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएट करा तो इधर कहीं भी y नहीं दिखना चाहिए, तो इस y की वैल्यू हम फिर से पुट कर लेते हैं यहां से। यही तरीका होता है, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। तो y की वैल्यू हमने फर्स्ट से पुट करी, x साइन x रखिए ना, ये हमने ये यहाँ इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पे, और बाकी आपका एज इट इज हो गया, log x cos x, या फिर cos x को पहले लिख दो, और ये आपका प्लस साइन इसको इनटू 1 साइन x अपॉन क्या हो गया, x हो गया। तो इस मेथड से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक मेथड इनफ है आपके समझने के लिए, कि वही प्रोसीजर आपका वही रहेगा, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या फिर जैसे आपका u इनटू v है, अगर दो फंक्शन से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तीन हो चार हो, तब भी हम लॉग वाले मेथड से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लॉग वाला मेथड यहां पे क्या कहता है कि log m इंटू एन क्या होता है, आपको पता ही है ना, log m इंटू एन क्या होता है, तो log m प्लस log n होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना ज्यादा इजी है, तीन होगा तो log m प्लस log n प्लस log w हो जाएगा इस तरह से। तो बस वही प्रोसीजर रहेगा, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो मेनली हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप दोनों साइड में लॉग ले लोगे, फिर लॉग में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज से ये पावर क्या हो जी आगे आ जाएगी, आगे होते ये यू इंटू वी फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इस वाई को इधर भेजना नहीं भूलना, बहुत से बच्चे इस वाई को इधर भेजना भूल जाते हैं, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी ये सारा काम तो आपको एज इट इज आता है, बस ये वाई को इधर लेकर के आना है, हर एक स्टेप में जहां भी आप लॉग लोगे ये वाई इधर आएगा और वाई की वैल्यू यहां पर आएगी। तो ये हमारा यहां पर क्या हो गया 5.5 का हो गया इंट्रोडक्शन। और दो तीन चीजें और आप यहां पे याद रखो, कि जैसे दो तीन फंक्शन अगर आपके यहां प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हो गया मल्टीप्लाई में जी एक्स हो गया, और एक और फंक्शन निकल रहा है क्यू एक्स हो गया, या और भी इस तरह से मल्टीप्लाई में, तब भी हम तीनों दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉग m इंटू एन इंटू क्यू कर दो सबके बीच में, ये बीच में क्या कर देगा, लॉग यहाँ पे प्लस का साइन लगा देगा। या फिर दूसरा आप यहाँ पे देखो, अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिवाइड में है, जैसे हमने पहले भी किया था, जैसे यहाँ पे अगर लिख देते हैं, तो जो हमने पहले किया ना डिवाइड वाला किया या मल्टीप्लाई वाला किया, तो वहां पे भी आप लॉग से कर सकते हो, लेकिन जो मेथड हमें इजी लगेगा हम उससे करेंगे। ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ना, तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है, तो अगर वो मेथड इजी लग रहा क्वेश्चन वाला तो क्वेश्चन से कर लेंगे, नहीं तो हम लॉग वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मेनली आप पावर फंक्शन पे फंक्शन हो तो करना है, या तीन आपके प्रोडक्ट में हो तो आपको यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करना है। तो ये हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया, आई होप आपको समझ में भी आ गया, सिर्फ ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और ये मेथड ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन। थैंक यू, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।